हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों ऐसा है यार, अभी ये हम लोग ले तो आए, साइलेंसर भी लगा दिया है सब कुछ, इसकी वेल्डिंग भी करा दी है। अभी एक दिक्कत आ रही है, ये जो इसको पाइप का मुंह है इस पर चढ़ाने में, उसी तरफ से दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये पाइप चढ़ाने में दिक्कत आ रही है इसको, तो इसका भी मैच नहीं हो रहा। उसकी वजह से अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, आगे से कुछ लूज़ करते हैं, फिर उसके बाद ये काम करना पड़ेगा। दोस्तों थोड़ा सा मेहनत का काम है। अभी हम लोग क्या करने लगे, इसके चार स्क्रू लूज़ करने वाले हैं। इसके ये कहाँ गया, चार स्क्रू कहाँ गए, एक ये है, एक दूसरी तरफ है, दो और ये तीन और ये चार, उसकी पाइपें डिस्कनेक्ट करनी पड़ेंगी। दोस्तों थोड़ा कूलेंट भी गिरेगा वैसे तो, बाकी लेकिन करना तो पड़ेगा दोस्तों, कितना पंगा लिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि इसकी जो पाइप के जो बेंड का जो मुंह है वो बहुत नीचे है। एक को तो चलो मैं खोल भी लूँ, पर दूसरा वाला एंड खोलने के लिए कोई भी जगह नहीं बन रही दोस्तों। इस वजह से, सिर्फ इसी की वजह से मुझे सब खोलना पड़ रहा है। एक नट तो दिख गया, दूसरा नट तो दिख ही नहीं रहा दोस्तों, तो ये है प्रॉब्लम। तो मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो ये 8 नंबर की गोटी है दोस्तों, 8 नंबर की गोटी से हमने ये निकालना है। अभी दोस्तों वो चार स्क्रू खोले थे तो वो इसका गार्ड आ गया बाहर। देन उसके बाद हमने क्या किया, इसके साइड पे एक कूलेंट की पाइप जाती है, देखिए जो रिटर्न होकर आती है, तो उसको खोल लिया दोस्तों। तो हमें ये देखिए आगे नट वगैरह लगाने के लिए जगह मिल गई है, कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वो देखो सामने ये वाला स्क्रू भी खुल जाएगा, लगाते हैं रैचेट इसमें, तो करते हैं इसको। दोस्तों अभी क्या किया, उधर से हमने पाइप खोली थी, अब इस तरफ वाली भी ये जो बॉटम की पाइप है वो खोली, तो बस हमने इसको रेडिएटर को साइड कर दिया, कनेक्टर खोल के बिजली वाला। तो इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा दोस्तों पेट्रोल के साथ साफ़ कर दिया है, ताकि इसके अंदर गाड़ी के अंदर कचरा ना जाए। अभी क्या होगा, टूथब्रश के साथ थोड़ा साफ़ कर दिया है, तो क्योंकि हम इसका थोड़ा सा सिलेंसर लूज़ करेंगे, थोड़ा डर रहता है दोस्तों कि सिलेंडर हेड में इसका जो है कचरा ना जाए, इस वजह से इतना थोड़ा सा किया है। खोलते हैं अब इसको, देखते हैं। इसमें भाई काम टाइम जाता है और कुछ नहीं है, काम तो हो जाता है, बहुत सारा टाइम जा रहा है। चलिए दोस्तों खोलते हैं, देखते हैं कितने नंबर की चाबी। दोस्तों 12 नंबर का लगाया है इसमें, इसमें क्या फिर से प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, पैनल चाहिए होना।